अस्सलाम वालेकुम, कनेक्टेड रियल एस्टेट से मेरा नाम है कासिम रजा और ओवरऑल मार्केट की ब्रीफिंग 2021 की कॉन्सेप्ट के साथ हम पूरी ले चुके हैं कि मार्केट 2021 में किस तरह की रही और किस किस तरीके से मार्केट में चेंज आया, वर्ड ऑफ माउथ लोगों के क्या थे, क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या एक्सपेक्टेड होने के बावजूद उनको क्या मिला, सेलर ने कितनी कामयाबी हासिल की और बायर ने कितनी कामयाबी हासिल की, इन सब चीज़ों का मेन डिटेल अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो आप मेरे चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और सेकेंडली, आज की इस वीडियो में हम ओवरऑल क्या मार्केट एक्सपेक्टेड है और क्या क्या मार्केट में चेंजेस आ सकते हैं और व्हाट इज द एग्जैक्ट करंट मार्केट राइट नाउ इन ओवरऑल द बहरिया टाउन, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले आप जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस ऑन टाइम आप तक पहुंच सकें। ओवरऑल अगर बात करते चलें कि 2022 कैसा रहेगा, तो लाइक जैसा 2021 गुजरा, अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि ऑन द सेम कॉन्सेप्ट मार्केट चलेगी और आई पर्सनली बिलीव इफ देर इज नो चेंजिंग इन द मार्केट ओवरऑल एज पर न्यूज के बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म की न्यू एक्सपेक्टेड बैरियर टाउन की लॉन्चिंग्स आ सकती हैं, वो मार्केट पे इम्पैक्ट कर सकती हैं। लेकिन आई पर्सनली बिलीव उसके अंदर डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा, बट दैट विल बी अ शॉर्ट टाइम इम्पैक्ट ऑन द मार्केट और जो वक्त के साथ साथ बिल्कुल मार्केट सेट हो जाएगी, क्योंकि न्यू लॉन्चिंग के किसी भी चीज़ को हम बैरियर टाउन के इस सुपर हाईवे वाले जहाँ पे पूरा बैरियर टाउन अभी कराची एग्जिस्ट करता है, इसके साथ ओवरऑल हम लोग इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बैरियर टाउन अपनी जो डिलीवरी अपनी जो एक्सेप्टेबिलिटी दे चुका हुआ है वो ओवरऑल दूसरे के लिए बैरिया को दोबारा से उसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ेगी, वर्किंग करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे जाके मेंटेन हो जाएगी। हाँ, ये एक अलग बात है कि बैरिया अपनी ब्रांड्स, अपने ट्रस्ट और अपनी डिलीवरी की वजह से बैरिया के लोगों के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके पूरे कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएगा। अभी की मार्केट क्या है, अभी मार्केट कैसे चलेगी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो 2 दिसंबर 2021 लोगों की और हमारी नज़र में जिस तरीके से स्लो गुजरा, जो कि हर साल की तरह गुजरता है, कई सालों से यही इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, तो दिसंबर 2021 के बाद जैसे जनवरी चढ़ा है तो मार्केट में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है। और वो पॉजिटिव चेंज इनिशियली जो स्टार्ट हुआ है वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन पूरा 2021 ही बड़ा अनएक्सपेक्टेड गुजरा है। तो जनवरी 2021 में जो इनिशियल ट्रांजेक्शन्स का सबसे अच्छा बूम देखने को मिल रहा है वो प्रीसेंट 61, 62 एंड 63 का मिल रहा है और मार्केट के अंदर 62 और 63 की जो फाइल्स 18.5 लाख रुपये से लेके 21 लाख रुपये पे आ चुकी थी, अब वो वापस अपना वो रेट मेंटेन कर चुकी हैं जो दिसंबर के स्टार्ट में इन्होंने तोड़ा था। चेक टूटने की वजह यही थी कि मार्केट बैरियर टाउन ने एक नोटिस लगा दिया था आउट ऑफ बाउंड्री के कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन लोगों को उसकी कोई परवाह नहीं है और मार्केट में अभी भी ट्रेडिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में हो रही है। और बैरियर के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रांसफर्स का अगर रुझान देखा जाए तो 61, 62 और 63 का ही बहुत ज़्यादा हो रहा है और इनमें अगर देखा जाए तो 62 और 63 का बहुत अच्छा है। ओवरऑल अगर इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट से बात करूँ कि बैरियर टाउन के अंदर इस वक्त किस किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो मेरा मानना ये है कि जो आपकी मस्जिद के सराउंडिंग के एरियाज़ हैं स्टिल वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे गैप नज़र आ रहा है रेट्स का, कि वहाँ पे अगर बाइंग की जाए तो आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह बहुत अच्छी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वहाँ पे एक्सपेक्टेड होगा। लाइक अगर हम बात करते चलें कि दिसंबर का पूरा महीना और नवंबर का पूरा महीना, तो जितना स्ट्रॉन्ग चेंज हमको प्रीसेंट 15A, 15B, प्रीसेंट 23 के अंदर, प्रीसेंट 24 के एरियाज में, प्रीसेंट 28 के एरियाज में नज़र आया, इतना वाजे फ़र्क हमें अली ब्लॉक के प्रीसेंट्स में या प्रीसेंट 15 में या प्रीसेंट 14 में या प्रीसेंट 27 में इतना बड़ा वाजे फ़र्क नज़र नहीं आया। और ये अब फ़र्क इतना ज़्यादा गैप इतना करीब आ चुका हुआ है कि लाइक 20 प्रीसेंट 15 और 15A के रेट्स के अंदर तकरीबन 5 से 6 लाख का डिफरेंस रह गए। तो आई पर्सनली बिलीव कि इस वक्त की जो स्मार्ट बाइंग बनती है वो जिसके अंदर 4 पैसे लाइक एड ऑन होने की हमें कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है कि वो अब उन प्रीसेंट्स में दोबारा जाया जाए जिन प्रीसेंट्स के अंदर लाइक प्रीसेंट 15 है, प्रीसेंट 27 है और इन प्रीसेंट्स के अंदर थोड़ा सा मार्केट में एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह कि मार्केट में थोड़े से पैसे ऐड ऑन होंगे, क्योंकि जाहिर बात है कि कभी भी 15A, क्योंकि 15A का पोजीशन ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, बेशक बहुत सा एरिया ऑन ग्राउंड आ चुका है, 15A और 15 के रेट में बस इतना सा फर्क है, तो 15 की बाइंग इस वक्त समझ में आती है।
और अगर आपका बजट थोड़ा सा और कम है तो प्रेसेंट 14 की भी बाइंग समझ में आती है, लेकिन रनिंग आइटम के कॉन्सेप्ट से अगर बात करें तो प्रेसेंट 15 जो है और प्रेसेंट 27 जो है वो बड़ा मोस्ट रनिंग आइटम है कि मार्केट में सेल होना बड़ा आसान है। इसके साथ साथ अगर बात करते चले हम लोग रेट्स के कॉन्सेप्ट के साथ, तो इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन जो रेट्स है, सबसे हाईएस्ट रेट जो प्रेसेंट के चल रहे हैं, सिर्फ पहले मैं इनिशियली उनको डिस्कस करता हूँ। 500 गज का जो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा रेट हमेशा की तरह तेज चल रहा है इन टर्म्स ऑफ हाई रेट की बात कर रहा हूँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन के कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी चाहिए। द हाइस्ट रेट इज इन बैरियर टाउन फॉर द 500 यार्ड इज प्रेसेंट 4, बैरियर हिल्स एंड प्रेसेंट 17। ये वो तीन ब्लॉक्स हैं जो कि बड़े अच्छे रेट्स को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, जिनका रेट तकरीबन आप कह सकते हैं 190 से लेकर 270 तक भी इनका रेट जा चुका हुआ। और इसी तरीके से अगर हम 250 गज की बात करते चले तो हमेशा की तरह 6, 8 और 16 ने अपना रेट मेंटेन किया था। और इन दोनों में अगर ज्यादा बात की जाए तो 6 एंड 8 का जो रेट है वो थोड़ा सा ज्यादा 16 के मुकाबले में थोड़ा सा मजीद स्ट्रॉन्ग है। और अगर इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट से बात करें तो इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ इस वक्त जो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा रेट के अंदर चेंजिंग नजर आई वो हमें प्रेसेंट 30, 32 और 22 वाले साइड पे नजर आई। 34 में बड़ा वाजे फर्क नजर आया और 500 गज के वाजे फर्क में जो हमें रेट नजर आया वो प्रेसेंट 33 के अंदर हमें बड़ा वाजे फर्क नजर आया। उसने अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग रेट मेंटेन किया है, लाइक जो वाईफाई की बेल्ट है वहां पर तकरीबन रेट 130 तक भी लोग डिमांड कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा लाइक शुरू में मैं ये बात करता था और लेकिन अब वो बात एक पॉइंट पे आके मैच्योरिटी के पास आ चुकी हुई है कि जितना वाजे फर्क हमें बैरियटोन के अपार्टमेंट्स में या जितना वाजे फर्क हमें प्रिसन 10A के विलास, काइट विलास या बाकी विलास के अंदर नजर आना चाहिए था, इतना वाजे फर्क हमें इसमें नजर नहीं आया। लाइक अगर प्रिसन 19 के 2 बेड अपार्टमेंट जो है वो 85 लाख से 95 लाख में सिर्फ 10 लाख का एड ऑन हुआ है तो इतना कोई फर्क नहीं है। लाइक 85 लाख की दूसरी चीज जो है वो 120 की हो चुकी हुई है, तो 2 बेड अपार्टमेंट में सिर्फ 10 लाख की एप्रिसिएशन मेरे नजदीक कोई इतनी ज्यादा वाजे एप्रिसिएशन नहीं है। और अगर इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो 950 स्क्वेयर फीट के हिसाब से इसका तकरीबन 10,000 रुपये स्क्वेयर फीट बनता है, जो कि जस्टिफाइड है कि 10,000 रुपये स्क्वेयर फीट है आपका ऑन ग्राउंड पोजेशन वाली चीज है, विद कीज है, आप उसमें बड़ा अच्छा एनवायरमेंट रिहाइश कर सकते हैं, किराए पे दे सकते हैं, लेकिन नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्वेस्टमेंट। हाँ, फॉर अ वेरी सिक्योर इन्वेस्टमेंट अगर आप कॉन्सेप्ट से बात करना चाहते हैं कि यार बहुत ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो जहाँ पे ना रेट टूटे ना रेट बड़े रिलैक्सिंग उसमें जाए, तो ठीक है, हम अपार्टमेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो बैरियर हाइट्स है, बैरियर हाइट्स के अंदर अभी भी बड़ा क्वेश्चन नजर आ रहा है जिनका पोजीशन नहीं आया हुआ उनके अंदर, क्योंकि जनवरी की 15 तारीख तक इंशाल्लाह बैरिया की कोशिश ये है कि वो चाबियां देते रहे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जनवरी की 15 तक देगा नहीं, तो ये फरवरी के स्टार्ट में कहीं पर लोगों को हैंडओवर कर देंगे। क्योंकि थोड़ा सा काम मैं अभी जब लास्ट मैंने 3-4 दिन पहले चक्के लगाए तो इनिशियल लास्ट फिनिशिंग के कॉन्सेप्ट से कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कर रहा है, जिसके अंदर 15-20 दिन लग सकते हैं। तो क्योंकि ऑलरेडी बैरिया हाइट्स के टावर ए और टावर एच जो हैं वो अपना काफ़ी रेट मेंटेन कर चुके हैं, और जो नॉन पोजेशन जिनका बैरिया ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया पोजेशन आना, उनका रेट में इतना वाजे चेंज नज़र नहीं आ रहा, तो बैरिया हाइट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट अच्छी बनती है। और अगर उसके साथ ही दूसरी बात की जाए कमर्शियल के कॉन्सेप्ट के अंदर, तो बैरिया टाउन के अंदर मिडवे कमर्शियल के अंदर इस वक्त लाइक आज तकरीबन 3 जनवरी 2022 है, तो मिडवे के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बायर है इस वक्त, ए हो बी हो, और हर जो परचेजर है वो इसी पर्पस के साथ बाइंग के लिए आ रहा है। लाइक अभी भी मैंने जितने मिडवेज बेचे हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के साथ बिके हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए आने वाले वक्त के अंदर, तो मिडवे की अगर सराउंडिंग का आपका बजट बन रहा है तो मिडवे के अंदर भी कमर्शियल की बाइंग बनती है। और इस बेशक आप उसको कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ना लें, लेकिन जिस तेजी से वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और अगले 6-8 महीने में आपको मजीद नजर आएगी, तो मेरा मानना यह है कि वो एक फुली ऑक्यूपाइड एरिया कंसीडर होगा, बैरियर टाउन कराची का कमर्शियल हब कंसीडर होगा, ऑलरेडी वो कमर्शियल हब कंसीडर हो चुका हुआ है। तो कमर्शियल के कॉन्सेप्ट में वहां भी जा सकते हैं, लिबर्टी कमर्शियल भी हमें समझ में आता है। लाइक ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं तो हर कैटेगरी के अंदर ओवरऑल आने वाले वक्त के अंदर छोटे प्लॉट्स का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, चाहे आप कमर्शियल में बात करें या अगर आप
बात करते हैं छोटे सवा सौ गज के प्लॉट के, और अगर आप प्रोजेक्ट की कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं तो यस, लिबर्टी कमर्शियल हाईली रिकमेंडेड है, जिनाह एवेन्यू कमर्शियल हाईली रिकमेंडेड है। लाइक इसके अंदर जब आप फिजिबिलिटीज बनाते हैं तो फिजिबिलिटी बनाने के बाद आपको इस बात की कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, फिजिबिलिटी के अंदर कुछ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। ये ओवरऑल ब्रीफिंग है। इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं रेट्स को डिस्कस करूंगा कि ओवरऑल पेरियटन कराची के अंदर ए टू जी क्या रेट्स हैं और अभी मार्केट किस रेट्स पे खड़ी है। मैं प्रीसेंट्स वाइज बात नहीं करूंगा, लाइक प्रीसेंट वन का ये रेट है और वीडियो खत्म कर दूंगा, प्रीसेंट फोर का ये रेट है वीडियो खत्म कर दूंगा। मैं एक ओवरऑल 12 मिनट की 10 मिनट की पूरी वीडियो दे दूंगा जिसके अंदर आपको 1 से लेके प्रीसेंट 56 तक सारे प्रीसेंट्स का मैं आपको ओवरऑल रेट्स का रिव्यू दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।